Maxim. A huge round of applause. भारत जैसे अब अगले 25 साल में अमृत काल में निकल रहा है, उस दौरान जो तरक्की होगी, जो जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जो जो डेवलपमेंट होगी, उसमें हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का काफ़ी योगदान होगा और इसका हमारे पर काफ़ी कॉन्सिक्वेंस भी होगा। इस पर हमारी एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, ये बहुत ज़रूरी होता जा रहा है कि हम लोग आगे की सोचें ज़रा। तो सड़कें अच्छी होती जा रही हैं, गाड़ियाँ अच्छी होती जा रही हैं, कनेक्टेड व्हीकल्स आ रही हैं, ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी आ रही हैं। आज की डेट में मेरा मजाक किया जा सकता है कि आज की डेट में जो BS6 गाड़ियाँ हैं उसका जो एग्जॉस्ट है शायद वो दिल्ली के एयर क्वालिटी से अच्छी भी होगी अगर एक लिहाज से सोचा जाए। पॉइंट इज नाउ हाउ टू बी एड्रेस द पीपल इशू एंड वी थॉट टुडे दैट वी शुड पुट अ टॉपिक अप व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को कई कस्टमर्स कहते हैं कि हमसे गाड़ी तो ले लेंगे अगर आप दो ड्राइवर लोग के साथ, और हमारा एक्सपीरियंस रहा है फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स कि हर वॉल्वो ट्रक और बस के साथ हम 3 से 4 ड्राइवर ट्रेन करके देते हैं, और आजकल आयशा की तरफ से भी ये सुविधा आ रही है, राइट, तो कम्युनिटी की तरफ। तो और एक चीज़ जो है वो ये है कि आज की डेट में अब ये गिनती है 3 लाख से लेकर 5 लाख ड्राइवर की शॉर्टेज इंडिया में, एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरे तरफ 3 से 5 लाख ड्राइवर की शॉर्टेज है। ये कहाँ से आएंगे? अगर मैं इस कमरे में पूछूँ हम में से, और अगर एक सिंपल से सवाल पूछूँ कि हम में से कौन चाहेगा कि हमारी जान पहचान का कोई ड्राइवर बने, कितनों का हाथ उठेगा, राइट? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो जब हम अपने अपनों के लिए ये नहीं चाहते तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट टू काइंड ऑफ अट्रैक्ट पीपल इनटू दिस। तो इस डायलॉग को शुरू करने के लिए मैं सोचा कि वी हैव अ नाइस पैनल ऑफ पीपल टू जस्ट कम एंड टॉक अबाउट दिस इश्यू फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इसमें कोई एजेंडा नहीं है, और रीजन ये है कि जब ये कॉन्वर्सेशन खत्म होगी स्टेज पे तो हम लोग इसको शाम में कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ, और फिर उसके बाद जब आप अपने अपने लीडरशिप रोल्स में अलग अलग स्टेक होल्डर से मिलते हैं जो भी आपके हैं, उनसे उनके साथ आपकी भी डायलॉग होगी और आपके इश्यूज होंगे। So let me get started. So obviously the country is going to crisis. We are going to be a $5 trillion economy in 2 years. Mein. Jab 3-4 saal baad uske 60 trillion tak pahunch jayenge. Aur uske baad the sky is the limit. That we are a large young population. And when I joined, we were a big fleet. Today we are a bigger fleet. So during those times, I think I had never heard that driver was the first area of an issue to be addressed, because the supply was high. Because whenever driver छुट्टी पे जाता है तो रिटर्न आते टाइम अपने भांजे को, भतीजे को, किसी को, बेटे को लेके आता है और उसे भी ड्राइवर बनाता है, क्योंकि वो टाइप की अर्निंग थी और जॉब अपॉर्चुनिटीज शायद तभी लिमिटेड हुई। बट नाउ द चैलेंजेस हैव रियली गॉन बियॉन्ड दैट। Driver does not encourage any other person in his family to pursue this profession, mainly due to dignity. Because money, I think, for the level of education that they have, this is the one of the highest paid jobs that one could have. So money is one area that is addressed to certain extent, but giving him the respect, giving him the dignity is one part where everyone really feel it is not important. So the development is going at a very high pace, the requirements are going higher. Aaj predominantly for trailer transportation, which is more concentrated to the areas where the ports are Namasheva, Mundra, Hazira,
ट्रेलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए शॉर्टफॉल बढ़ रहा है एट अ हायर पेस एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स बिकॉज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर worked outside in a very corporate environment. When I came here, it was completely different. It was very dash. Your drivers were not, of course, by God's grace, we have around 60-70% of drivers who are retained drivers. And they've seen me grow because I used to go to my dad. COVID really taught road transportation was, they were basically doctors. As doctors are saving lives, we all got food, medicines, or whatever we wanted. E-commerce played a very important role. It was because of drivers. But were they given that respect? Absolutely not. They were not because we needed. I think they should be, you know, applauded the way we all are applauded because they are actual doctors of the road industry. So yeah. I would have preferred to be in Bhagwan's place. Because I'm used to asking questions. But as an observer, good to be on this side also and voice my opinion. Now, Bhagwan, the question pucha ki drivers ke liye ye field kis tarah se और अट्रैक्टिव बनाई जानी चाहिए फर्स्टली आई वांट टू लॉट ऑल द ड्राइवर्स आउट देयर क्योंकि हम एज अ मैगजीन जब पूरी वैल्यू चेन कवर करते हैं इंटरेक्शन ऑन मंडे इज विद द सीईओ ऑफ द कंपनी एंड द नेक्स्ट डे वी आर इन द कैबिन सेम कैबिन एज द ट्रक ड्राइवर सो हम क्लियरली समझते हैं कि किस ड्राइवर का ओपिनियन क्या है कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है एंड देन समहाउ वी लेट अ वॉइस ऑन बोथ साइड्स and you try and portray a complete picture. So, mere liye to first experience what the drivers go through starts off when I get on to a truck. So, हम trucks चलाते हैं, product review करते हैं. आप जब truck का दरवाजा खोलते हैं और पहले आपको एक डेढ़ दो feet जब अपने आप को pull करना पड़ता है just to get into the cabin. I think respect for the truck driver starts right there for us. आप truck में बैठ, you know, at the kind of education that they receive. Be able to understand aaj ka truck mein jo electronic content hai we as journalists have to perhaps rely on their input to understand ki ye truck kaise chala rahe tab tak jo gear shift pe sara khel chalta tha truck ka now it is completely on switches it's no longer clutch brake aap cruise control dekh lijiye aap hill hold assist dekh lijiye these are the kind of features that jo hum bolte hain driver educated nahi hai they are using it. There is always a thought ki hum log सेफ्टी की जो बात करते थे कंप्लायंस की तरफ से बात करते थे कुछ कंप्लायंस इज दैट वन चैलेंज जिससे सेफ्टी सुन लेंगे बट अभी क्या होने लगा है कि वी हैव आल्सो सीन लाइक यू नो लाइक क्योंकि हम तो स्टार्टअप है हम 25 साल में जो कर सकते हैं वो 5 साल में तभी कर सकते हैं जब भी हमारे जैसे सोच के लोग मतलब जो लोग प्रॉब्लम्स में सोल्यूशंस में सोच रहे हैं उनके साथ मतलब जो भी जो ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो ऐसे कार्गो ओनर्स हैं जो एक्चुअली मतलब सिर्फ बात नहीं करते लेकिन एक बजट भी रखते हैं सोच भी लेते हैं और उस दिशा में सोचते हैं राइट सो व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग इज रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन लाइक स्टार्ट फाइंडिंग दोस पीपल और क्या होता है कि देयर इज दिस वियर्ड ग्रैबिंग द बकेट सेंटीमेंट लाइक कि हम लाइक देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन ऐसा कुछ नहीं लाइक एवरीवन इज देयर इवन पीपल हु वी थॉट टू कम कॉम्पिटिटर्स हैव स्टार्टेड वर्किंग विद अस एंड हैव जॉइंड हैंड्स लाइक वी एनजीओस वी एवरीवन लाइक वी डोंट हैव दैट सेंटीमेंट ऑफ ये गवर्नमेंट है I think very views I have with everything going towards an emotional feel of how to give more respect to the drivers. I think I don't have any difference in opinion. So, for me, क्या चार साल की पहले की बात है जब हम जो सर्विस की जो कपड़ा सोच के कहने की बात हुई थी एक सोच निकली उसमें हम करीबन लगभग 8 लाख इस साल करीबन 1 मिलियन 10 लाख जॉब कार्ड्स बना रहे हैं 10 लाख बार ड्राइवर गाड़ी लेके आते हैं हमारा वर्कशॉप और नेटवर्क में यानी हर महीने 1 लाख का गाड़ियाँ सर्विस के लिए लेकर आते हैं तो उतनी टाइम हमारा इंटरेक्शन होता है ड्राइवर से हमने सोचा ये उनकी वो फायदा उठा के उसमें वी स्टार्टेड एनालिसिस उनकी क्या बिहेवियर इंपॉर्टेंस रहता है उनकी क्या एंग्जायटी क्या रहती है तो एक तरफ टेक्नोलॉजी है एक तरफ हमारा जो हाउ डू वी मैनेज हाउ डू वी ट्रीट देम एट वर्कशॉप में बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती थी पहले अब हमारा नाउंस में उधर ड्राइवर रेस्टरूम में अवेलेबल है बिकॉज उनके अपना डालने के बाद आने के बाद ऑन दैट डे वन डेज 4 घंटे का 5 घंटे का 6 घंटे का सुनने का अच्छा सा तो उधर वॉशिंग फैसिलिटी भी डायरेक्ट लीडरशिप में रखने के लिए तो छोटी सी बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में बट जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं आज इसी टॉपर हो रही आई थिंक दी कैबिन इंग्रेस एंड एग्रेस होगी कैबिन से चढ़ने से पहले क्या होता है रिएक्शन होता है कैबिन पहले भी इतना इनकम चढ़ने में भी क्योंकि
कि अलग अलग साइज हेड का आते हैं लेवल स्क्रीन का वी नीड टू एवरेज कर उसके बाद कैबिन में बैठने का उनके एडजस्टिंग पोजीशन फॉर एग्जांपल वी आर ऑफरिंग सीएससी पोजीशन आर दिस अंदर हेड के अंदर नो सबसे और टिल्टेड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी है सो एर्गोनॉमिक की बोलते हैं लाइव एर्गोनॉमिक्स अगर ड्राइवर चला रहे हैं 400-500 किलोमीटर प्रति घंटे आजकल ज़्यादा भी चला पा रहे हैं अभी बिकॉज रोड्स आर गुड एंड रोड्स आर मच मोर बेटर तो उस सबसे एर्गोनॉमिक्स का उनकी जो बैठने का स्टाइल है उस सबसे The lot of technology has gone inside. Number two, all the cabins are AS compliant, crash alert control, non-smoke detection, जो आपका जो safe हो vaccine होता है, so you should protect the legs and limbs वगैरह. तो उसमें भी थोड़ा काफी rules दिया गया उसमें. Intelligent driving information system करके हमने शुरू किया था उसमें, जिसमें आपको drivers को online coaching कर सकते हैं वहाँ पे. तो driver का जो आपका mileage का चलाने का, तो main चीज क्या होता है? टेंशन हमेशा होता है पानी से या कभी किया मैनेज का इतना मैंने जाना चाहिए तो उसके लिए चलने के लिए कभी न्यूट्रल पे चलाया कभी पोस्टिंग करें बहुत सारा हैबिट यूज करते हैं जो सेफ्टी के लिए भी थोड़ा नॉट ओके इंडक्शन भी होती है उसमें तो ड्राइवर को हर ड्राइवर को हम सिखा नहीं पाते हैं जाके ट्रेनिंग तो करते रहते हैं मेरे हिसाब से बट इतनी ट्रेनिंग नहीं हो पाता था ड्राइवर को ट्रेनिंग करें तो हमने ये इंटेलिजेंस सिस्टम लगा उसमें जहाँ पे जो फ्यूल कोचिंग बोलते हैं तो ड्राइवर अपने आप को सुन सकते हैं वहाँ पे अगर गलत देर पर चला रहे हैं तो उनको थम्स डाउन आता है थम्स अप आता है स्वीट स्पॉट कहते हैं अगर 20% ऑफ ड्राइवर्स डिपेंडिंग ऑन द फ्लीट दे आर यूजिंग द क्रूज कंट्रोल पर अभी लंबे लंबे रूट में चलते हैं तो आराम से दे कैन टेक रेस्ट ऑल्सो उतना एक पता नहीं होता उसमें सो ये जो टेलीमेट्रिक जो कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं इसमें काफ़ी सारे डेटा पॉइंट मिलती है हमको जहाँ फॉर एग्जाम्पल जहाँ ब्रेक डाउन हो गया जैसे कि वहाँ पर वेरी एक्सपेंसिव कार्गो होता है पहले जो उनका टेंशन होती है ना ड्राइवर अगर प्लेस इन दिस कंट्री तो फर्स्ट थिंग ड्राइवर इज वरीड अबाउट इट मुझे कहाँ से मदद मिलेगा तो हम ये अच्छे से पॉइंट को पकड़ के फर्स्ट थिंग वी डिड हमारा जो अपटाइम सेंटर है टेक्नोलॉजी कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे वी स्पीक 8 लैंग्वेजेस तो कस्टमर अगर साउथ से आया या मदद से आया तो दे कैन स्पीक द लोकल लैंग्वेज ऑफ गिव्स अ गुड कंफर्ट सो वहीं से शुरू करते हैं और हमने ऐसा नहीं लिया हुआ 3 घंटे के अंदर कहीं पर भी ऑल इंडिया में पहुँच पाएंगे So may I ask the Ballpark Aisha team to please stand up and clap for all the transporters who are really empowering the administration. Thank you. Thank you. Makar Sankranti ka shubh din. Aaj hum kuch shubh karne wale. Jaise Balwan ne kaha aur Gujar ne kaha. India, one of the fastest growing economy of the world, $3.5 trillion हम लोग दस कर चुके हैं. तीन साल में हम लोग $5 trillion इकोनॉमी बन जाएंगे. किसी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी द बैकबोन इज ट्रांसपोर्टेशन. आज भारत में ट्रांसपोर्टेशन का 70% ऑफ दैट बिजनेस इस रोड ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने मार्केट से सीखा और जो भी रिलेवेंट था वो हम लोग हिंदुस्तान में वो टेक्नोलॉजी लेके आए. ये नींव का पत्थर था हमारी और वॉल्वो की सोच इतनी मिलती थी कि जो बेनिफिट है कुछ भी करेंगे सेंटर हमेशा कस्टमर होना चाहिए. 119 टन टिपर पेट्रोल एंड 40 हॉर्स पावर 48 टनर 16 टायर ट्रक 300 हॉर्स पावर 2 tractors, 55 tonners, 4x2 and 6x4. Thank you so much for being a lovely audience and I loved being here, sir. Makar Sankranti ki bahut bahut shubhkamnaen. Is launch ko aur shubhkamnaen, sir. Please come now, sir. Thank you. Bye.